हेलो हेलो हेलो। सो हेलो गाइज, माई नेम इज ऋतुराज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जियो वैली। सो टुडे आई एम हियर टू रीमेक वन ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो, दैट इज इग्नियस पेट्रोलॉजी। वी नो इग्नियस रॉक इज वन ऑफ द मेन क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक्स, राइट? सो आई हैव अपलोडेड ऑल थ्री वीडियोज कवरिंग इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। दीज आर थ्री मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ अंडर पेट्रोलॉजी, राइट? पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स, राइट? सो आई हैड अपलोडेड दिस वीडियो इन मराठी लैंग्वेज, आई गेस मे बी 2 years बैक। सो आई रिसीव्ड मेनी रिक्वेस्ट दैट प्लीज मेक दिस वीडियो इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। सो टुडे आई एम हियर टू रीमेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल, बिकॉज वी हैव प्लेंटी ऑफ कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट टूडेज वन। सो आई थिंक वी हैव टोटल 54 वीडियो, 54, मोर देन 54 आर देयर ऑन माई चैनल। सो मेनी कॉन्सेप्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड, ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ईच कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू योर सिलेबस एंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ओके, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइबर देन एन्जॉय द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मेन वर्ड, दैट इज पेट्रोलॉजी, राइट? सो बिफोर गोइंग टू इग्नियस पेट्रोलॉजी, वी विल सी वॉट इज पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, सो विदाउट स्टडिंग पेट्रोलॉजी वन कैनॉट स्टडी जियोलॉजी, राइट? बिकॉज वी आर डीलिंग विथ रॉक्स, रॉक इज अवर हार्ट, राइट? और अभी पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है? कोरोना वगैरह हो गया, अभी रीजन्स वगैरह खत्म हो गए, अभी ऑनलाइन नहीं देंगे वो ऑप्शन MCQs वगैरह। यू हैव टू राइट अ पर्टिकुलर आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, ओके? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है? पढ़ाई वढ़ाई करो या IAS बनो थोड़ा। पेट्रोलॉजी, नाउ व्हाट इज पेट्रोलॉजी? दिस इज अ ग्रीक वर्ड, ओके? ग्रीक साइंटिस्ट ने इसका ये किया था इन्वेंशन। इट इज अ ग्रीक वर्ड। नाउ व्हाट इज पेट्रोलॉजी? पेट्रोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, ओके? सो अंडर जियोलॉजी वी आर स्टडिंग पेट्रोलॉजी। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ रॉक्स, ओके? सो पेट्रोलॉजी में हम स्टडी ऑफ रॉक्स कहेंगे। पेट्रोलॉजी का ग्रीक मतलब क्या होता है? पेट्रोज का मतलब होता है रॉक और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ रॉक्स, ओके? सो ऑल टाइप ऑफ रॉक्स, दैट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ऑल टाइप ऑफ रॉक्स वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस ब्रॉड टॉपिक पेट्रोलॉजी, राइट? सो आई हैव अपलोडेड थ्री डिफरेंट वीडियोज फॉर इग्नियस पेट्रोलॉजी, सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी। सो सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक आर अवेलेबल इन हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज, बट द प्रॉब्लम वॉज, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम वॉज इग्नियस पेट्रोलॉजी वीडियो आई हैव अपलोडेड इन मराठी लैंग्वेज। सो आफ्टर मेनी रिक्वेस्ट आई एम मेकिंग रीमेकिंग दिस वीडियो, ओके? फॉर यू गाइज, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है? कोई नहीं, हमारा चैनल है अपना, यू कैन डिमांड, ओके? यू कैन डिमांड योर रिक्वायरमेंट्स इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू फुलफिल देम, ओके? सो पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी का मतलब समझ में आया? इट इज अ ग्रीक वर्ड। नाउ व्हाट इज रॉक? इसके बाद सवाल आता है रॉक, व्हाट इज रॉक? रॉक इज अ एग्रीगेट ऑफ मिनरल। बड़े बड़े डेफिनेशन रट्टा मत मारो, ठीक है? मतलब समझ लो उसका बस। एग्रीगेट, एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, मिनरल। व्हाट इज मिनरल? मिनरल इज अ यूनिक, इसका एक यूनिक केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है? थ्रू आउट द मिनरल, थ्रू आउट द क्रिस्टल वो यूनिफॉर्म रहता है केमिकल कंपोजिशन। रॉक वैसे नहीं है, रॉक इज अ एग्रीगेट ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है? एक टाइप का भी हो सकता है लेकिन बहुत सारे मिनरल्स होंगे उसमें, ओके? सो दैट वी कॉल एज रॉक। रॉक इज अ एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। सो इफ यू आर नॉट अवेयर व्हाट इज मिनरल्स, प्लीज डू वॉच माई बोन्स रिएक्शन सीरीज वीडियो, ओके? सो इन दैट आई हैव कवर्ड ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मिनरल्स एंड थोड़ा बहुत मैंने
ईच मिनरल ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है। सो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। कुछ मिनरल्स होते हैं जो ओर बनाते हैं, ओर जिससे हम मेटल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो दोज आर डिफरेंट फ्रॉम रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, राइट। नाउ फॉर दिस वीडियो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके ओके। सो रॉक इज ए एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। पेट्रोलॉजी के अंडर हमें रॉक का स्टडी करना है। व्हाट इज रॉक? रॉक इज ए एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी ब्रॉड क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक्स आर देयर? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। नाउ वी विल गो टू इग्नियस रॉक्स। व्हाट इज इग्नियस रॉक्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक रॉक? इग्नियस, नाउ दिस वॉज ग्रीक वर्ड पेट्रोलॉजी, दिस इज लैटिन वर्ड। इग्नियस का मतलब होता है फायर, आग, ठीक है। सो आग मतलब टेम्परेचर का ये करना है यहां पे। टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर बिकॉज इग्नियस का मतलब होता है फायर, फायर मतलब आग, और रॉक का मतलब तो पता है हमें, रॉक का मतलब पत्थर होता है, ठीक है। सो वॉट इज इग्नियस रॉक्स? द रॉक विच डायरेक्टली क्रिस्टलाइजेस फ्रॉम मैग्मा और लावा। नाउ व्हाई आई एम यूजिंग मैग्मा एंड लावा बोथ, ठीक है। यहां पे वीडियो पॉज करना और थोड़ा अपने आप को पूछना कि मैग्मा और लावा का डिफरेंस क्या है, ओके। मैं भी बताने जा रहा हूँ। मैग्मा इज अ लिक्विड मटेरियल विच इज मेल्ट फॉर्म फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, ओके। तो मैग्मा और लावा एक ही है, बस वो मेल्ट है। किस चीज का मेल्ट है? रॉक्स का मेल्ट है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर क्या होगा कि रॉक मेल्ट होगा, ओके। सो डिपेंडिंग ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ईच मिनरल प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर रॉक द मेल्ट विल डिसाइड द इट्स the melt will decide its melting point, okay. Now what is magma? This is our surface of the earth. If that material, that the molten material is present below the earth surface, it is called as magma, okay. And same material when comes out and spread on the surface of the earth, it is called as lava. Got it? Same material. It is a melt of rock. Melt produced from rocks due to high temperature. Rock को अगर temperature, high temperature में melt करेंगे तो magma और lava बनेगा, melt बनेगा उसका, ठीक है, liquid बनेगा उसका. That is magma और lava. Okay. So I hope you understood what is igneous rock. Igneous rock is directly crystallized from magma to lava. Now the important thing is here, two components we have. Liquid and solid, where our solid rock is getting generated from a liquid melt, right? Ab sedimentary, how igneous rocks are different from sedimentary and metamorphic rocks? Sedimentary rocks are aggregate of different types of sediments which are deposited in one basin area, okay. To us process se banta hai सेडिमेंट्री रॉक। नाउ यहाँ कोई मेल्टिंग इन्वॉल्व है? जो मैंने अभी डेफिनेशन बताया सेडिमेंट्री रॉक्स का, देर इज नो मेल्टिंग इन्वॉल्व, देर इज नो लिक्विड इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, ओके। अंडरस्टूड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स? एंड वॉट इज मेटामॉर्फिक रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक इज अ सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन। एक सॉलिड रॉक है, उस पर हमने अप्लाई किया टेम्परेचर, प्रेशर अप्लाई किया, उसका कन्वर्जन हो गया अनदर सॉलिड में। दिस रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक, ओके। और ये पहला वाला जो रॉक है वो कोई भी हो, ऑलरेडी मेटामॉर्फोज्ड हो, फिर इग्नियस रॉक हो, सेडिमेंट्री हो, बस प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई किया, उसका मेटामॉर्फिज्म हो गया, दैट इज आवर मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। सो दिस इज हाउ इग्नियस रॉक्स आर डिफरेंट फ्रॉम सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक, राइट, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड, लेट्स गो फर्दर। वन थिंग आई फॉरगॉट टू कवर,
दिस इज कॉल्ड एज मैग्मा बिकॉज इट इज क्रिस्टलाइज, दिस मेल्ट इज प्रेजेंट बिलो द अर्थ सर्फेस एंड दिस इज कॉल्ड एज लावा बिकॉज दिस इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ओके, नाउ द रॉक विच क्रिस्टलाइजेस बिलो द अर्थ सर्फेस, मैग्मा से रॉक बनने का प्रोसेस बिलो द अर्थ सर्फेस ही हो रहा है, यहीं पर रॉक बन रहा है. ठीक है, इस मेल्ट का रॉक बन गया. रॉक कब बनेगा? हाई टेम्परेचर से जब मैग्मा लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा. ठीक है, रॉक कब बनता है? मेल्ट कब बनता है? हाई टेम्परेचर पे. तो रॉक बनने के लिए टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, तभी रॉक बनेगा सॉलिड. सो द रॉक विच क्रिस्टलाइजेस बिलो द अर्थ सर्फेस आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स. इंट्रूसिव. ऑन अनदर हैंड द रॉक विच क्रिस्टलाइजेस फ्रॉम लावा दैट इज ऑन द अर्थ सर्फेस आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स. ओके, ये दो वर्ड याद रखना, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स. ठीक है, नाउ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जो होते हैं, मैंने बताया कि रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स एक होते हैं और ओर मिनरल्स एक होते हैं. ओर मिनरल्स को हटा दो अभी, उनका यहाँ पे कुछ काम नहीं है. ठीक है, तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मीन्स मिनरल्स नहीं, रॉक बनने का जो प्रोसेस है वो दो टाइप से होता है मिनरल्स में. ठीक है, एक रॉक होता है इग्नियस रॉक में, एक होता है मोनो मिनरेलिक रॉक, मिनरेलिक, और ये होता है मल्टी मिनरेलिक. द रॉक विच फॉर्म्ड थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक इज कॉन्स्टेंट, मीन्स द रॉक इज एंटायरली मेड अप ऑफ वन मिनरल, सिंगल मिनरल ओनली. ओके, ऑल दीज मिनरल्स आर ओलिविन, सॉरी ऑल दीज क्रिस्टल्स आर ऑफ ओलिविन मिनरल. दिस इज मिनरल, दिस वन थिंग इज क्रिस्टल ऑफ मिनरल, वन क्रिस्टल. ओके, ओलिविन. देन इट इज कॉल्ड एज मोनो मिनरेलिक, मीन्स एक ही मिनरल है यहाँ पे. ठीक है, हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है कि डायरेक्टली क्रिस्टलाइज फ्रॉम मैग्मा और लावा. ओके, देन रॉक इज अ एग्रीगेट ऑफ मिनरल. रॉक का डेफिनेशन कहाँ लिखा था? ओके, ठीक है, रॉक इज अ एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स. सो इफ मोर देन वन टाइप ऑफ मिनरल्स आर इन्वॉल्व इन द रॉक, ओके, रॉक फॉर्मिंग प्रोसेस, सपोज दिस इज ओलिविन, दिस इज क्वार्ट्ज, दीज आर मिनरल्स. ओके, ओलिविन, क्वार्ट्ज, देन वन मोर इज देयर, दिस इज माइका. सो मोर देन वन मिनरल इज इन्वॉल्व. ओके, मोर देन वन मिनरल्स आर इन्वॉल्व, क्वार्ट्ज, ओलिविन एंड माइका. देर आर थ्री मिनरल्स इन्वॉल्व इन दिस रॉक. ओके, दिस रॉक इज मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज प्लस ओलिविन प्लस माइका, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मल्टी मिनरेलिक. मोर देन वन टाइप ऑफ मिनरल्स आर प्रेजेंट. ओके, मोर देन वन टाइप आई एम सेइंग, मोर देन वन मिनरल्स नहीं बोल रहा हूँ, मोर देन वन टाइप ऑफ मिनरल्स आर इन्वॉल्व इन दिस रॉक. सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मल्टी मिनरेलिक रॉक. ओके, सो लेट्स गो अहेड. इफ यू हैव एनी डाउट अप टिल हियर, प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. नाउ वी विल सी सम डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग इग्नियस रॉक्स. ओके, मिनरल्स. ओके, अभी मैंने बताया कि मोनो मिनरेलिक और मल्टी मिनरेलिक रॉक क्या होता है. नाउ वॉट आर द मिनरल्स एंड टाइप ऑफ मिनरल्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग इग्नियस रॉक्स. देर आर टू टाइप्स, प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स. प्राइमरी मिनरल्स मीन्स द मिनरल्स विच आर क्रिस्टलाइज्ड. ओके, द मिनरल्स विच आर क्रिस्टलाइज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रॉक, ड्यूरिंग द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड मैग्मा इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू ए सॉलिड रॉक. ओके, उस प्रोसेस में जो भी बन रहा है वो प्राइमरी प्रोसेस में आता है. ओके, सो दिस इज अ मेल्ट, सपोज दिस इज अ मेल्ट एंड दिस मेल्ट इज फॉर्मिंग अ रॉक, सॉलिड रॉक. नाउ ऑल द मिनरल्स आर फॉर्म्ड. ओके, टेम्परेचर इसका ज़्यादा था, इसका कम हो गया. यहाँ पे टेम्परेचर कम होने के बाद द रॉक हैज़ डेवलप्ड. नाउ द रॉक हैज डेवलप्ड ऑल द मिनरल्स एंड क्रिस्टलाइज्ड अ सॉलिड रॉक. ओके, सो इस प्रोसेस में जो भी मिनरल्स बनते हैं वो है प्राइमरी मिनरल्स. नाउ व्हाट आर सेकेंडरी. सेकेंडरी मिनरल्स आर
द मिनरल्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रॉक. ओके, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रॉक. अब ये कैसे बनते हैं? नाउ सपोज देर इज अ क्रैक प्रेजेंट इन ऑलरेडी फॉर्म रॉक. दिस इज अ क्रैक. ओके, एंड वन मैग ड्यू टू वन एक्स्ट्रा मैग्मेटिक एपिसोड दैट न्यू मैग्मा इज इंसर्टेड इन टू दिस फ्रैक्चर एंड सम न्यू मिनरल्स आर डिपोजिटेड हियर बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टल्स बन गए और यहाँ पे डिपॉजिट कर गए. तो ये जो मिनरल्स है यहाँ पे, दीज न्यू फॉर्म मिनरल्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस सेम रॉक, राइट? सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मिनरल्स. सेकेंडरी मिनरल्स. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स. नाउ देर आर टू कैटेगरीज अंडर द प्राइमरी मिनरल्स. वन इज एसेंशियल मिनरल एंड एक्सेसरी मिनरल. ओके, दिस टर्म्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इग्नियस प्रोसेसेस. ओके, द मेल्टिंग प्रोसेसेस, द प्रोसेस बाय विच इग्नियस रॉक इज गेटिंग फॉर्म्ड. ओके, सो एसेंशियल मिनरल्स आर दोज, विदाउट देम इट इज इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई द रॉक. ओके, नाउ वी विल गो टू क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक लेटर, बट द मिनरल्स विदाउट विच इट इज इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई द रॉक. सपोज वी हैव ग्रेनाइट रॉक. ओके, ग्रेनाइट इज अ रॉक, राइट? तो हम इसको ग्रेनाइट कब बोल सकते हैं? जब इसमें क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार आर प्रेजेंट. क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार मस्ट प्रेजेंट इन द रॉक टू कॉल दैट रॉक एज ग्रेनाइट. ठीक है, इनमें से एक भी अगर नहीं होगा, सपोज क्वार्ट्ज इज एब्सेंट, फेल्सपार इज प्रेजेंट, वी कैन नॉट कॉल दिस रॉक एज ग्रेनाइट. बिकॉज ये जिसने भी डेफिनेशन लिखा है, जिसने भी क्लासिफाई किए है रॉक, उसने बताया कि ग्रेनाइट बोलने के लिए क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार आर इसेंशियल. ओके, विदाउट क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार वी कैन नॉट कॉल दैट पर्टिकुलर रॉक एज ग्रेनाइट. सो दीज आर इसेंशियल मिनरल्स, एसेंशियल. एंड सम एक्स्ट्रा मिनरल्स मे प्रेजेंट इन द ग्रेनाइट, लाइक माइका, एम्फीबोल्ड. ओके, दीज मिनरल्स ऑल्सो कैन प्रेजेंट इन द ग्रेनाइट, बट दीज आर नॉट नेसेसरीली प्रेजेंट टू कॉल इट ग्रेनाइट. ओके, अगर ये माइका और एम्फीबोल इसमें नहीं है तो भी हम इसको ग्रेनाइट बोल सकते हैं, बिकॉज बोथ द एसेंशियल मिनरल्स आर प्रेजेंट इन दैट रॉक, सो वी कैन कॉल इट ग्रेनाइट. बट इफ माइका इज नॉट देयर और एम्फीबोल इज नॉट देयर, यू कैन ऑल्सो कॉल इट ग्रेनाइट बिकॉज एसेंशियल मिनरल्स आर देयर. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एक्सेसरी मिनरल्स. ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसका होना ना होना जरूरी नहीं है रॉक टू क्लासीफाई दैट रॉक. ओके, या अप टू हियर, एनी डाउट्स? प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट. सो लेट्स मूव फर्दर. आई थिंक वी विल मूव टू क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स नाउ. सॉरी, मिनरल्स के बारे में एक और पॉइंट रह गया. मिनरल्स हम दो और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज फेल्सिक मिनरल्स, अनदर इज मैफिक मिनरल्स. फेल्सिक मिनरल्स आर, इफ यू आर नॉट गेटिंग दीज पॉइंट्स, इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द मिनरोलॉजी, प्लीज गो थ्रू माई बोन्स रिएक्शन सीरीज वीडियो. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज आई कांट गो इन सो मच डीप इन मिनरोलॉजी इन दिस वीडियो, द करंट वीडियो. सो यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट द मिनरोलॉजी. नाउ इन फेल्सिक मिनरल कैटेगरी वी हैव क्वार्ट्ज, फेल्सपार. वॉट इज फेल्सिक? फेल्सिक मिनरल्स आर लाइट कलर्ड मिनरल्स. द डेंसिटी ऑफ दीज मिनरल्स इज लो एज कंपेयर टू मैफिक. हियर द डेंसिटी इज हायर. ओके, दीज आर डार्क कलर मिनरल्स. एग्जाम्पल, माइका, एम्फीबोल,
pyroxenes. These three mineral classes are belongs to mafic category. Okay, because these are a dark color minerals and the density is comparatively higher I am saying. Okay, रॉक है वो, पत्थर है भाई, वो डेंसरी होगा, लेकिन ये लो डेंसिटी मतलब एक 1 ग्राम पर सीसी का बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है. तो दिस इज रॉक, ऑब्वियसली इट इज डेंसर मटेरियल, बट कंपैरेटिवली मैफिक मिनरल्स आर हैविंग लो डेंसिटी देन द सॉरी फेल्सिक आर हैविंग लो डेंसिटी देन द मैफिक. ओके या सो मिनरल्स आर डन. नाउ वी विल मूव टू क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक. सो देर आर three different types of classification on the basis of color index, mode of occurrence and depth. Okay, so we will see all the classification in on one board only, so you can just compare these classification on the same platform. Okay, so we are moving to classification of igneous rock. There are three. We are going to divide the classification in three different parts. Okay, one is based on mode of occurrence. Okay, ये depth पे depend है, ठीक है. Basically depth, this depends on depth at which the rock is formed. Second is based on silica percentage. Okay, silica percentage. And last is based on color index. This is not that much important, but compared to that, color index, mode of occurrence and silica percent classification is more important. Okay, first we will see the classification based on mode of occurrence. We have three points here. One is volcanic, second hyperbasal, third is plutonic. Now suppose this is our surface of the earth. I told you the liquid material which is present below the earth surface is called magma and above the earth surface is called lava. Now volcanic rocks are formed from lava. Okay, so rocks formed due to lava are called volcanic rocks. इसका एग्जाम्पल क्या है इंडिया में? पॉज करो वीडियो, बताओ. नहीं आया क्या? ठीक है, डेक्कन ट्रैप. जिनको आया कॉन्ग्रेचुलेशन. ठीक है, डेक्कन ट्रैप. और एक और है, मतलब बहुत सारे हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये लार्ज इग्नियस प्रोविंस में आता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इग्नियस प्रोविंस इन इंडिया. ओके, सो डेक्कन ट्रैप इज एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक रॉक. नाउ हाइपरबेसल इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्लूटोनिक. दिस इज प्लूटोनिक. प्लूटोनिक मतलब होता है ग्रेटर डेप्थ. सरफेस से ग्रेटर डेप्थ पे पाया जाने वाला रॉक को बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक. ठीक है, एंड इन बिटवीन प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक इट इज हाइपरबेसल. Now, one more key concept I would like to share with you here. Volcanic rocks are having fine grain texture. छोटे छोटे grains होते हैं, ठीक है. Plutonic rocks are having coarse grain structure. अब ये ऐसा क्यों होता है? The temperature contrast. Listen carefully. The temperature contrast which is present below the earth surface at greater depths, okay, between magma and surrounding, it's very less in the depth. Okay, temperature contrast I'm saying. Temperature contrast between this melt and surrounding, it's the contrast is less, right? Here the temperature is higher and magma is at higher temperature, we know, but here temperature is higher than this region, right? But for volcanic rocks, the temperature difference, this is also magma, so it must present current temperature of the magma, which is the melt formed due to the melting of rocks, is around 900 degrees Celsius.
okay, depending on this varies. This temperature is not stable, this varies depending on the composition of that rock. Okay, mineral composition or melt composition. So volcanic rocks are having greater contrast, greater temperature contrast between this melt and surrounding. So this magma is not getting sufficient time to crystallize the rock, okay, to crystallize the minerals which are going to form a rock, solid rock, right? So that as the temperature contrast is very large, it is not getting time, so it is forming a fine grain texture. Okay, so there is a one more concept, we are not going so much deeper. You just remember, volcanic rocks are having fine grain texture because of this reason, and plutonic rocks on the other hand are having coarse grain texture. We can, if you have a plutonic rock in your hand, for example granite, you can just look at the granite and identify the minerals. Okay, this is quartz, this is feldspar, this is K feldspar and all. But if you have basalt in your hand, you cannot separate augite and plagioclase from that rock, okay, but with your naked eyes. You have to make thin section and observe that slide under the petrological microscope. Okay, so that study we call as petrography. Okay, under the microscope we need to study because this is fine grain texture. Okay, so you understood this classification of igneous rock based on the mode of occurrence: volcanic, hyperbasal and plutonic, right? Now silica percent. For this classification, you have to remember some numbers here. You know, our crust, the crust mein minerals ka abundance agar dekhenge, elements ka, to silica aur oxygen sabse jyada hai. Aur isse form hota hai silica, SiO2, jo hamara quartz hai, quartz. Okay? So depending on the silica percentage, weight percentage of silica present in the particular rock, we can classify this rock, okay, on the basis of silica percentage. If weight percentage of silica in any particular rock is more than 65%, it is called as acidic rock. If that proportion is in between 65 to 55%, it is called as intermediate. If that silica percentage, weight percentage, is in between 55 to 45%, it is called as basic rock. Okay, and if that percentage is less than 45%, it is called as ultra basic. Now these numbers you have to by heart, okay, there is no option. Now we will see one example from each classification, 1, 2, 3 and 4. Acidic ka example hai granite, because granite is having more quartz and feldspar, so it is having more silica in that rock. Okay, इंटरमीडिएट का एग्जाम्पल है डोलेराइट. इसका जो कंपोजिशन है वो 65 to 55% होता है उसमें सिलिका. ओके, सो बेसिक, दिस इंटरमीडिएट रॉक इज हैविंग द कंपोजिशन बिटवीन बेसिक एंड एसिडिक रॉक. ओके, बेसिक रॉक एग्जाम्पल इज बेसॉल्ट, अवर डेक्कन ट्रैप रॉक, दिस इज बेसिक इन नेचर. एंड अल्ट्रा बेसिक इज मेड अप ऑफ मैफिक मिनरल्स. More mafic minerals are present in basic and ultra basic. More felsic minerals are present in acidic and intermediate rocks. Now ultra basic is peridotite. Okay, yeah, this is the classification based on silica percentage. Now color index we have classified on the basis of color. Okay, so leucocratic is light colored and melanocratic or hypermelanic is more dark in color. Okay, it is similar to felsic and mafic one, remember. Okay, first is leucocratic, then mesocratic, then melanocratic, and then
hypermelanic. Here more felsic minerals are present and here more mafic. These are darkest minerals. Okay, dark, बहुत ज़्यादा dark minerals होते हैं इसमें. तो felsic content is more over here and as we go from leucocratic to hypermelanic, mafic content will keep on increasing. Okay, I hope you understood all these three classification, broad classification of igneous rocks. Right? Okay. So if you have doubt from classification, please do ask in the comment section. वही कर सकते हैं, comment ही, और कोई option नहीं है, ठीक है? Okay. So let's move on further concept in igneous rocks. Further, we have two, three textures we are going to see, structures we are going to see. Okay. So two are left. So now we will go to textures of igneous rock. What is texture? Texture. Texture is a appearance of rock. Appearance of rock. External appearance. External appearance, which we can see. Okay. जो हम देख सकते हैं. What is the texture of it? What is the grain size? कुछ और दिखा रहा है क्या? Okay. So there are two types of texture. Main types. Okay. Broad category. We are not. There are many textures in igneous rocks. Many textures are there, but if, as this video is just on basic concepts, we are just looking into broad topics. Okay, so in texture, only two categories we are going to see. One is equigranular, second is inequigranular. Why we are seeing this? Because these two are important to understand what is texture. That is more important. Okay, what is structure and what is texture? How they are different from each other. So that is important. Now, equigranular means equal grain size. All the grains present in the rock are equal in size. This is based on size. Okay. Mineral composition doesn't matter. Whatever minerals are present, one mineral, monomineralic, multimineralic, doesn't matter. The grain size of all the grains are having same size. Okay, equal size, uniform size. That is called as equigranular texture. Okay, so there are many rocks which shows equigranular texture. तो इसमें क्या होता है कि अलग-अलग cooling effect नहीं होता है. Okay, so suppose this rock, this melt is present in the crust below the surface, and suppose half of the material cooled crystallizes at different rate and half of the material is crystallized at different rate. Okay, two different rates of cooling are there, then it will form inequigranular texture. Okay. Now, यहाँ पे क्या हुआ है कि uniform rate of cooling था. Rate of cooling was uniform. So, all the grains which developed from that melt are showing the uniform size. So, we call it equigranular texture. Okay? Now, in equigranular में क्या होगा? There are two different episodes of cooling. Okay? Or two different rates of cooling. For half of the material is different rate of cooling, half of the material is having different rate of cooling, then it will form inequigranular. So some minerals will form this size and some of them will form like this. Okay, now you have two different size here. This is one size and this is your second size. Okay, so two different size of material is there. So it is called as inequigranular. Equigranular नहीं है. So inequigranular. One example is porphyritic texture. Porphyritic texture. Porphyritic texture is type of inequigranular texture where two different size of grains are present within a single rock. Okay. So suppose
दिस इज ग्रेनाइट ओके एंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स आर हैविंग दिस साइज क्वार्ट्ज एंड प्लेजियोक्लेज इज हैविंग बिगर साइज ओके दिस इज प्लेजियोक्लेज सपोज सो हियर प्लेजियोक्लेज इज कॉल्ड एज फिनोक्रिस्ट फिनोक्रिस्ट बिकॉज इट इज लेस इन अमाउंट लेस इन नंबर एंड लार्जर इन साइज दैट इज कॉल्ड एज फिनोक्रिस्ट दिस इज फॉर पॉर्फिरिटिक टेक्सचर ओके दिस इज अवर पॉर्फिरिटिक टेक्सचर तो इसमें अगर क्वेश्चन आया तो सॉल्व करना है आपको ठीक है सो दिस इज कॉल्ड ओवरऑल टेक्सचर दिस इज वॉट टेक्सचर मीन्स इन इग्नियस रॉक्स ओके सो नाउ वी विल सी वॉट इज स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस रॉक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू गेट द क्वेश्चंस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ इग्नियस बॉडीज ओके इन द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन और योर सेमिस्टर एग्जाम्स वॉट एवर ओके सो लेट्स मूव टू स्ट्रक्चर्स ओके सो नाउ वॉट इज स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज ए अपीयरेंस ऑफ रॉक्स इन अ broader scale for example if you go to field and look at the outcrop okay any outcrop and you can just comment on the appearance of that outcrop okay this looks like that okay this look like a elephant shape this is appearance of rock in the broader scale okay so there are structures of igneous rocks And these are important structures, okay? So, be prepared for your exams. Structures are very important for igneous petrology. There are many questions repeatedly being asked in the several exams, okay, on structures of igneous rocks. Now, we will see some common structures in the igneous rocks, okay? First is vesicular. Vesicular structures. Vesicular structure. Now, what is vesicle? Vesicle is a cylindrical empty cavity present in the rock. Now, suppose this is rock. You imagine, okay, this is my board. I am not good at 3D drawings. So, you can just imagine your 3D rock. Okay, you have a rock in your hand and you have cylindrical cavities within that rock, all over the rock. Okay, these cylindrical cavities are present suppose okay this is empty and you can just see the hole in that rock this is called as vesicular structure okay this is called as vesicular structure now the question is how they form how these cavities form okay so during the crystallization of magma what did happen is suppose this is a magma this magma is crystallizing okay now magma is having liquid plus gases right so gases are of any kind of gases this is either it is water vapor or other gases like carbon dioxide and all okay so what gases will do gases will try to escape upwards due to the force of buoyancy right gases is having lower density than the surrounding material liquid material so it will try to escape and try to move upward right this gas bubble is present so this will try to escape and this will leave a cylindrical cavity behind and once it reaches surface it will escape in the atmosphere okay so cavities made by these bubbles are called vesicles okay so the example common example of this structure is vesicular basalt you must have heard this term vesicular basalt now second structure is very interesting amygdaloidal structure okay now what is this amygdaloidals is if the vesicles formed due to these gas bubbles are filled with secondary material remember one is primary and second is secondary minerals
During the classification of rock forming minerals, we saw primary minerals and secondary minerals. Secondary minerals was deposited after the formation of rocks, okay, due to the injection of some late magmatic material, okay, in that vesicles. So if this material is getting deposited and forming a crystals, these are very beautiful crystals. If you have seen amethyst, apophyllite, these are late magmatic intrusion and deposited in the early form rocks, okay. So this will form amygdaloidal structure. This, the composition of rest of the rock is different, totally different than the amygdules, but this is the part of the same rock, right? These are secondary minerals, so this we call as amygdaloidal structure. If these cavities, these vesicles are empty, then this is called as vesicular structure. If these cavities are filled with the secondary minerals, then the structure is called amygdaloidal structure. Okay. Next is ropey structure. This is formed by lava flows. Okay, lava flows. This is formed by lava flows, not a magma flow. I'm using the word lava flow. Okay, so ropey structure is formed by a lava flow. Ab suppose a magma is present below the earth surface, which came on earth surface and it will spread. ये ऊपर तो नहीं चला जाएगा ना एटमोस्फियर में, सही है? तो ये स्प्रेड हो जाएगा. आपने इंटरनेट पे वीडियोस वगैरह देखे होंगे, वो आइसलैंड में वगैरह फ्रिक्वेंटली लावाज आर कमिंग आउट ऑन दैट सर्फेस. ओके, आइसलैंड इज अ यूनिक फीचर विच इज प्रेजेंट ऑन द मिड ओशनिक रिज, ओके, इन द वर्ल्ड. सो दिस लावा फ्लोज विल ट्राई टू स्प्रेड हॉरिजॉन्टली ऑन द अर्थ सर्फेस. सो ऑन द हॉरिजॉन्टल स्प्रेड करते करते वो क्या बनाएंगे, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है, रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम रोपी स्ट्रक्चर बोलते हैं. रोपी स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय फ्लोइंग लावा, ओके, हॉरिजॉन्टली स्प्रेडिंग लावा. ओके, सो रोप लाइक स्ट्रक्चर इट विल फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज रोपी स्ट्रक्चर. नाउ माई डायग्राम इज नॉट दैट गुड, यू कैन जस्ट इमेजिन द रोपी लावा, और आई विल शो द इमेज हियर. फोर्थ वन, पिलो स्ट्रक्चर. पिलो मतलब गद्दा जो हम लेते हैं सोते समय, ठीक है, वही पिलो है, बस ये रॉक का पिलो है तो ले नहीं सकते सोते समय. दिस इज रॉक पिलो. ओके, सपोज नाउ वी नो लावा और मैग्मा कैन इरप्ट एनी सरफेस, ओके, और मीन्स एनी वेयर ऑन द अर्थ सरफेस. मीन्स मैग्मा डजंट नो इफ देर इज अ एटमोस्फियर और वाटर ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस. सपोज दिस इज आवर लैंड एंड दिस इज आवर ओशन बेसिन. दिस इज लैंड एंड दिस इज ओशन, दिस इज अ वाटर, ओके, बिलो दिस एवरीथिंग इज वाटर. Now suppose magma is formed here and magma is coming up and it got erupted into ocean basin. Okay, now this is lava, this was a magma, now this is lava which got erupted underwater. तो underwater करने से क्या होगा कि यहाँ पे पानी का temperature कम है. Okay, as compared to atmosphere, this temperature is lower again, right? So the temperature contrast is again very high here. So it will form a pillow structure like this, okay, and this will solidify as it is, right? This will solidify, this magma, this lava which came out on the earth surface under the water will solidify like this only. So it is called as pillow structure. We call it pillow basalt sometime. If it is basalt rock, then we call it pillow basalt. Okay, yeah, so these four structures, and let me just check. Yeah, one more is there, columnar structure. If you are from India, then you must visit one place in India, which is in Udupi. Okay, columnar structures.
यू मस्ट विजिट इफ यू वॉन्ट टू सी दिस कॉलिमनार स्ट्रक्चर्स, वेरी ब्यूटिफुल दे आर. इफ यू आर फोटोहोलिक देन यू मस्ट गो देयर. इवन फॉर फोटोग्राफ्स दैट इज बेस्ट प्लेस. एंड जियोलॉजिकली इट इज अ जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट. ओके, इट इज अ डिक्लेयर्ड एज जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट इन इंडिया. ओके, सो वॉट इज कॉलिमनार स्ट्रक्चर? दिस विल फॉर्म ए पॉलीगोनल, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिक्स फेसेस, एंड दिस इज अ कॉलम. जस्ट इमेजिन दिस एज 3D. ओके, आई एम नॉट गुड इन 3D ड्रॉइंग्स. This is a column. Okay, so what will happen? The magma is coming up on the surface and getting solidified. Now on the surface what will happen? It will form some nucleus. Okay, jagah jagah pe wo nucleus form karega, and each nucleus will try to attract a material from the surrounding. Okay, suppose this is a surface, means this is a surface. Surface hum ये न्यूक्लियस फॉर्म हो गए यहाँ पे, ठीक है. तो ईच न्यूक्लियस विल ट्राई टू अट्रैक्ट ए मटेरियल ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन. रॉक सॉलिडिफाई करते समय क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है. किसी भी चीज़ को हम हीट करें तो वो एक्सपांड होता है. सो नाउ सॉलिडिफिकेशन इज गोइंग ऑन, सो इट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट एंड अट्रैक्ट द सराउंडिंग मटीरियल. सो From all the sides, the material will try to contract and form a polygon. Okay? Now this material will form like this. Suppose this is here. Okay? From all the side, it is contracting. This is called as columnar structure. And these are joints in between. Okay, I don't know if this is working or not. Yes, this is working. Okay, these are columnar joints. This is columnar structure and these are columnar joints. Okay, so these are some structures of igneous rock. These are some important structures, and how they form is important process. Okay, so if you are planning to answer some competitive examination which is subjective type, then you have to understand all these processes by which these structures are getting developed. Okay, so temperature is important factor, then nucleus formation is important factor, where does the magma is coming out, okay, where and it is, whether it is underwater or directly to the atmosphere. Okay, so that is also important. Then what is vesicular, amygdaloidal, what is secondary minerals, so all these things are connected to each other. Okay, so this is igneous processes. Okay, so we will move to last topic. So if you have any doubts from this section, structures, please do ask in the comment section. The last point is types of igneous bodies. Types of igneous bodies. So under this we are dividing it into two types. One is extrusive bodies, another is intrusive. In extrusive, only one type is there, lava flow. Okay, lava flows में हमने देखा है कि pillow structure, then ropey structure, that is that comes under the extrusive form. Okay, now intrusive, there are some terms which are important for your exams. Okay, extrusive समझ में है? Extrusive means on the surface of the earth, right? Intrusive is below the surface of the earth. So now suppose this is our earth surface and this is our magma chamber. Okay, this is magma chamber from where magma is coming up. And this is our structure of the rock, host rock. This is host rock. Okay, already present rock is a host rock. So there are two types in intrusive. One is concordant. Second is discordant. Okay,
What is concordant and discordant? Concordant structures are those which form somewhat sub-parallel to the structure of the host rock. Okay, अब ये host rock है, इसका structure समझ लो कि horizontal है ऐसे, ठीक है? So this is the structure of host rock. Suppose any body of igneous rock is getting intruded. Okay, now this is magma is coming up and intruded into surrounding rock. So this body now is new. Okay, this is our country rock. Country rock is early formed rock, okay, which is already present before some intrusion, new intrusion. Okay, so suppose this new magmatic body intruded some material along means parallel to the structure of the country rock, then this is called as a concordant body. Okay, understood what is concordant and what is discordant? Suppose this same material deposited like this, okay, and after solidification this body is formed like this. So why it is a discordant? It is not parallel, it is a cross cut to structure of the country rock. The earlier formed rock, which is country rock, is having structure like this, right? This is the common structure of this country rock. But this newly forming body, newly intruding material, is cross cutting that structure, early formed structure or country rock, the structure of that country rock. So this body is called as discordant body. Okay, now there are some concordant bodies. First we will see concordant. One, sill. Then lopolith. No, first we will see laccolith. Laccolith, pay attention, because then lopolith. Okay, fourth is phacolith. Just a minute. Okay, so sill, laccolith, lopolith and phacolith are concordant bodies. These are concordant bodies. Okay, now what is concordant? Which is parallel to the structure of country rock. This is the structure, this is parallel to the structure, and this is discordant because this is cross cutting to the country rock. Right, structure of the country rock, sorry. Okay, now what is sill? Sill is just a intrusion, horizontal intrusion. Okay, so after some time it will pinch out and finish. This is called as sill. Okay, this early form, this late form material is intruding into country rock, and which is parallel to the structure of country rock, and which is parallel means sill is having uniform thickness. Second is laccolith. Laccolith is having flat base and convex top. Okay, so this is laccolith. Okay, but this structure, overall structure, is again parallel to the structure, right? It is not cross cutting, this is parallel to the structure. Okay, parallel to the structure of country rock. Okay, this is called laccolith. Now lopolith is just opposite to laccolith. This is top is flat and convex side is down. This is lopolith. This is saucer shape. And this is inverted saucer. Okay, this is lopolith. Lopolith is having flat top, and this is lopolith. This is laccolith, double C. This is sill. Last one is phacolith. If the country rock, the structure of country rock is having folds. Suppose this country rock is having folds.
okay, then the newly formed material, new, the material which is going to intrude newly will intrude along these folds, okay. So it will form here, then here, this material, the same material, okay, along the folding. This is called phacolith, okay. I will draw the structure of phacolith here also. You remember fold, okay, along fold it is intruded. This is called phacolith, okay. And yeah, these four structures are concordant to the country rock. Then two discordant structures we will see. Here only we will see. You understood all these things? I will draw here. Now we will see discordant forms. Discordant, okay. One is dike, second is batholith. Okay, you remember sill? Just it is a sill, but it is cross cutting, means uniform thickness intrusion which is cross cutting the country rock. This was a dike. Okay, so see the structure of country rock. And it is cross-cutting that structure, right? So this is called as dike. It is a discordant structure, okay? And batholith is the biggest form, largest form of igneous body after the magma chamber. Ye magma chamber hai, ye sabse bada hoga. Ye bahut bada hai niche, theek hai? And batholith is a... Ye sab thoda clear karta hun. Suppose this is a structure of, suppose this is a structure of country rock and this batholith is forming a large body. This is a large intrusion, okay. This pen is not working. It is a large intrusion. After solidification we can call it batholith, okay. This is batholith. And you can see here, it is also cross-cutting this structure of country rock. So it is called as batholith. Okay. So I have covered all the basic concepts related to igneous processes and igneous petrology. So if you have any doubt from this lecture, please do ask in the comment section. Or yaar, please yaar, padhai shuru karo abhi. Ye corona varana ho gaya sab abhi. So please do start the preparation for your any type of any kind of exam. And if you have any doubt from geology section, please you can contact me or you can just put it in the comment section, okay. So I hope you really enjoyed the video. This was a pretty good long length video actually. So yeah, so we'll stop here and please do subscribe if you like this video. Only then hit the like button and please share with your other friends also. Okay, thank you so much. Have a good day.